अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महेंद्रगढ़ के सतनाली में पुलवामा में हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में हुए शहीदों को आज अनेक संगठनों शिक्षा संस्थानों ने मिलकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी व मौन कैंडल जुलूस निकाला तथा सभी प्रकार के आतंकियों द्वारा कायरतापूर्ण व दुखद हमले की निंदा की गई तथा सरकार से आतंकवाद से निजात दिलाने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील की। इस मौके पर मोंटेसरी कॉन्वेंट स्कूल, शिक्षा भारती स्कूल, नावा राजकीय उच्च विद्यालय सतनाली, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति की प्रदेश सचिव डॉक्टर सुनीता मित्तल, MPHW सतनाली ब्लॉक प्रधान अनीता भालोटिया, डिवाइस कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मनीष मित्तल, राकेश जवाहर नगर, तीर्थ शेखावत, कमल सिंह, सोनल पहलवान, देवेंद्र राठौड़, टिंकू शेखावत, मनपोल शर्मा, गोपाल रावत, छात्र संघ नेता लादेन गुजर, अनेक पुरुष व महिलाएं शामिल हुए। उन्होंने मौन रहकर भावपूर्ण शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सरकार के पास कितनी ताकत है वो आज टाइम है मोदी के पास दिखाई पुलवामा में, उसके लिए आज हमने सतनाली में उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार के सुख समृद्धि के लिए हमने कैंडल यात्रा निकाली। और मैं अनुरोध करता हूँ सरकार से कि हमारे देश में ऐसी घटना हुई है, इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए और उनको सबक सिखाया जाए जिन्होंने हमारे देश के नौजवानों के साथ ऐसा किया है। महेंद्रगढ़ के सतनाली से सुनील तंवर की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।